Okay, good morning. Good morning, sir. Switch on your video. मैं कल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था. आई एम गोइंग टू वंस अगेन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. वन ऑफ द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड. मुझे 10:04 पे बताना मीटिंग लॉक करने का. ओके, आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. एक बार एक पंखा था, एक बच्चा नीचे से देख रहा था उसको और उसने पंखे को बंद कर दिया. Switch off. Before switching off, he found that it was revolving at 90 revolutions per minute. फिर जैसे उसने स्विच ऑफ किया वो बैठ के गिनता रहा, 1 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन, ऐसे करते करते लास्ट में 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद बंद हो गया. वो लोग बोलते कितना समय लगा उसको. समय लग बताओ कितना. इवन दो उसने देखा था कितने टाइम में बंद हुआ, लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन करना चाहता था कितने समय में पंखा फाइनली बंद हुआ. I would like to ask this question to Prisha Shetty. Problem बता क्या है? Sir, actually a call was coming, so I couldn't hear it. जरा जोर से बोलो. 10:04. Yeah, 10:04. Okay, I lock the meeting now. Security lock meeting. Yes, locked. हाँ बोलो. बोलो अप्रिशा. सर अ कॉल वाज कमिंग सो आई कुडंट हियर व्हाट यू सेड. हां क्या? सर अ कॉल वाज कमिंग सो आई कुडंट हियर. अरे उसको अगर वाईफाई है तो उसको उस पे रख देने का, किसमें, एयरप्लेन मोड पे, तो नो डिस्टर्बेंस विल टेक प्लेस. भार्गेश प्रॉब्लम बता. यस सर एक लड़का था, वो पंखे को देख रहा था. सर वो पंखा 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड से चल रहा था. वो लड़के जब स्विच ऑफ किया फिर वो 21 रिवॉल्यूशन किया, तो उसको देखना है कि कितने टाइम में पंखा रुका. ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा. आई लव यू बर्गेश, दिस इज द वे टू आंसर. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आरपीएम देखते हैं. हम लोग पहले आरपीएम निकालते हैं. N कितना होगा? 90 बाय क्या करूं बेटा, क्या करूं, मुझे याद नहीं आ रहा है. व्हाट्स योर रेशियो? 90 अपॉन व्हाट आरपीएस लाने के लिए बोलो. 60. 90 डिवाइड बाय 60 यानी 3/2 आरपीएस. दैट मींस व्हाट इज ओमेगा 1? 2πn. दैट इज 2π into 3/2 and that is equal to 3π radian per second. All right. अब मैं करूं तो क्या करूं मुझे बताओ. मेरे पास ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है. अब मुझे एक बात बताओ, जो रिटार्डेशन हो रहा है ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? एंगुलर एक्सेलरेशन की एंगुलर रिटार्डेशन है, वो बताओ कोई. पंखे की स्पीड धीमे कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? रिटार्डेशन. तो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, ये अल्फा और ये अल्फा, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहिए. हाँ, ये 21 रिवॉल्यूशन मेरे को समझ में नहीं आया. क्या है ये, क्या लिखूं? 21 एन लिखूं या क्या लिखूं? क्या लिखूं भाई? रिवॉल्यूशन है ना क्या? ओनली रिवॉल्यूशन है ना क्या? आसिफ सर इज इट थीटा? Theta, that is right. So theta equal to 21 revolution. But revolution नहीं चलेगा, हमको radian चाहिए. So we'll write 21. One revolution is 2π radian. कल बताया था मैंने. That is equal to 42π radian. Now, since omega 2 equal to omega 1 plus alpha t, therefore alpha equal to omega 2 minus omega 1 upon t. Equation number 1. Theta equal to omega 1 t plus half alpha t square. Equation number 2. Half alpha t square equal to omega 1 t minus theta. Therefore alpha equal to 2 times omega 1t minus theta upon t square. ये भी गलत है और ये गलत है. Better to use which formula? बताओ. Better to use which formula? I do not want to use this formula. This is better. Omega 2, omega 1. और theta मालूम है अल्फा. देखो यहाँ से अल्फा हम लोग को एलिमिनेट करने मिलेगा. So better to use not this. Sir, could we use the last formula? So theta is equals to omega 1 plus omega 2 upon 2 into t. That is the best formula. That is the best formula. That is what I wanted. देखो ये फॉर्मूला कोई यूज नहीं करता है, बट इस फॉर्मूले से कितनी जल्दी हो गया. पहले इससे भी कर लेते हैं हम लोग, फिर बताते हैं ये फॉर्मूला कितना इजी है. अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन कितना है 2 थीटा. इक्वेशन 2 इक्वेट 1 एंड 2 बोल रहे हैं. 1 एंड 2 करेंगे तो क्या आएगा. एक्चुअली इट इज अ लेंथी फॉर्मूला, नॉट टू बी सजेस्टेड. लेकिन कहां पे यूज किया है ये अपने बुक में, उसको यूज किया है. तो ओमेगा 2 कितना है बेटा, दैट इज 0. ओमेगा 1 कितना है 3 पाई. समय तो हमको निकालना है. एंड ओमेगा 2 स्क्वायर कितना है 0. ओमेगा 1 स्क्वायर कितना है 9 पाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 42 पाई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समय का आंसर आ जाएगा. समय का आंसर आएगा 28 सेकेंड्स. और अगर मैं ये यूज करता हूँ, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला. थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इनटू टी. थीटा इज 42 पाई ओमेगा 1 इज 3 पाई बाय 2 इनटू टी. 5 पाई गेट्स कैंसिल. तो टी इक्वल टू कितना आया 42 इनटू 2 अपॉन 3. 14 दूनी 28. कैन यू सी दिस फॉर्मूला इफेक्टिवनेस. ये पता नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आती. दिस फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला इज नॉट रिटन ओनली. इधर लिखो अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव इजी मेथड. वेरी गुड आफिफ असैयद. ये वाला फॉर्मूला है ना, अब लिखेंगे काइनेमेटिकल 3 इक्वेशंस होंगे. दिस आपको याद होगा v = u + at s = ut + half at square v = u square + 2 है. बट नेवरदरवाइज S equal to u plus v upon 2 into t. ये वाला फॉर्मूला पता नहीं क्यों यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला. कॉपी दिस डाउन फास्ट. अफीफ एक्सेलेंट थिंकिंग. अफीफ थैंक यू सर. या गुड. सर Aska is locked outside the meet. कौन क्या Aska is locked out the meeting. Who? I have locked the meeting. Aska sir. Aska late आएगी तो नहीं, I am not allowed. अभी late आ रही है ना वो. No sir, she was trying 5 minutes earlier. She told me to tell you, but you were teaching us some, so I didn't say. 5 minutes earlier, right? Stopped at 10:04. उसको 10:04 के अंदर आना चाहिए था. क्या पता लेट क्यों आना है. मतलब लेट का क्या प्रॉब्लम है. कॉनन है कि नहीं. कॉनन कुरैशी, कॉनन आर यू देयर. कॉनन भी नहीं है ना. सी दिस इज व्हाट. जब मालूम है 10:04 4 मिनट लेट फिर भी अलाउ करता हूँ, जबकि घर में बैठे हुए तुम लोग. आई हेट दिस. use this particular method. मिटा दो इसको. So wait. What is the reason she is saying of late, Ushna? Reason क्या बोली? Ushna. Sir, I'm asking her. और ये भी कॉनन भी नहीं है. मतलब देखो ये लोग हैबिचुअल लेट कमर्स. सर इट्स रेनिंग, दैट्स व्हाई नेटवर्क इशू. तो क्या हुआ घर में, रेनिंग क्या हो रही है घर में रीडिंग है। हाँ सर नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू तो सबका है, वो 10 बजे के बाद चालू हो जाता है नेटवर्क, 10:05 को, 10:05 तक खराब रहता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? नो, रहने दो, बाहर रहने दो, एक दिन रहेंगे बाहर तो दूसरे दिन सुधरेंगे। ओके, देन लेट अस डू 24। आसिफ रीड करो 24। मैंने प्रॉब्लम नंबर भी दिए आपको। Friction of a static friction between a coin and a granite stone disk is 0.5. Radius of the disk is 8 cm. Initially, the center of the coin is 5 cm away from the center of the disk. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the ring? देखो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, देन आई एम गोइंग टू आस्क। Okay, understand all of you. See, there is a gramophone disc. A gramophone disc है, इसे मिटा देता हूँ। I am going to ask you a problem, ध्यान से सुनो। जिसको प्रॉब्लम नहीं आएगा पता है ना, उसको मैं ये दूंगा, इम्पोजिशन दूंगा। एक ग्रामोफोन डिस्क है, ऑलराइट, और वो रोटेट कर रही है, ऑलराइट। उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कौन सी चीज रखी है? कॉइन, एक कॉइन है, एक कॉइन और ग्रामोफोन डिस्क के बीच में जो फ्रिक्शन है 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी खुद की रेडियस है 8 सेंटीमीटर। एक कॉइन है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर ऊपर का नहीं दिख रहा, हाँ नहीं दिख रहा है। हाँ एक कॉइन को है ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, तो वो लोग बोलते हैं विथ व्हाट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वी कैन रिवॉल्व। अच्छा मुझे बताओ, बहुत ज्यादा जोर से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी ये? बहुत ज्यादा तेज रोटेट किया तो कॉइन, अपने आप मन से बताओ। जीतू, अगर बहुत तेज रोटेट किया तो कॉइन कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स टैंजेंट। टुवर्ड्स सर टैंजेंट। नो, दैट्स रॉन्ग। रोटेट कर रहे हैं हम लोग, और ये नॉन इनर्शियल, चलो हिंट देता हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो कहाँ जाएगी वो? इट विल स्टिक टुवर्ड्स एज, यहाँ पे ऐसे जाने की कोशिश करेगी। क्यों? मैंने एग्जांपल भी दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टाइम पे। इफ यू कीप अ कॉइन देन इट रोटेट, देन आफ्टर इफ यू रोटेट वेरी फास्ट इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट गोस अलोंग विद द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। यस सर, वी कैन नॉट रिवॉल्व बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम मैक्सिमम स्पीड, सो वी वांट n1 एट व्हाट मैक्सिमम रिवॉल्यूशन पर सेकंड। फिर हम बोलते हैं सेकंड पार्ट में कि अगर इस कॉइन को सेकंड पार्ट में अगर एज पे ही रख देंगे, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रख देवे, तो लेट अस से फ्रीक्वेंसी एंड टू, बट दे आर आस्किंग फैक्टर बाय व्हिच इट व्हाट विल बी द चेंज इन फैक्टर, मतलब n2 अपॉन n1। जैसे फॉर एग्जांपल n1 आया, लेट अस से n1 आया 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड और n2 आया सपोज 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो व्हाट इज द फैक्टर? फैक्टर विल बी हाफ, n2 बाय n1 विल बिकम हाफ। बाय व्हाट फैक्टर इट विल, तो n2 विल बिकम हाफ ऑफ n1। फैक्टर दे आर आस्किंग, दे आर नॉट आस्किंग द न्यू वैल्यू। एक बार फिर से प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आई एम गोइंग टू आस्क, ग्रामोफोन डिस्क थी, रोटेट किया करती थी, उसके ऊपर एक कॉइन रखी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो और म्यू 0.5 दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो दे वांट टू रीड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विद व्हिच इट कैन बी रोटेटेड। अगर कॉइन को दूर रख दे एकदम एच पे, मतलब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो व्हाट विल बी न्यू फ्रीक्वेंसी, बट न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं, व्हाट विल बी द फैक्टर बाय व्हिच इट विल चेंज। प्रॉब्लम मैं पूछने वाला हूँ, लेट अस से रोशनी प्रॉब्लम बताओ। So there is a gramophone which is rotating, which has a coin placed at a distance of 5 centimeter from it, and gramophone itself has a radius of 8 centimeter, and the distance between the coin and the gramophone has a static friction between the gramophone and the coin is about 0.5, and we have to find the ratio of the n1 by n2. पहले N1 की वैल्यू निकालनी है, फिर रेशियो ऑफ N2 टू N1 निकालना है। एंड इन द सेकंड कंडीशन दिस, इफ द कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस नहीं, व्हाट विल बी द फैक्टर। डिफरेंस में माइनस करना पड़ेगा, तो फैक्टर यानी रेशियो निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहला तो हम लोग सीधा ही फार्मूला यूज करते हैं, v नो v √√ म्यू gr, बट v के बदले r ओमेगा इज √ म्यू gr, therefore omega is root of mu g upon r, but omega is 2 pi n equal root of mu g upon r, therefore n will be 1 upon 2 pi root of mu g by r। yahan se humko n1 mil gaya tha, that is 1 upon 2 pi 2 into 3.14 root of mu is 0.5, g is 9.8, and r kitna diya hai 5 cm। idhar 5 likho ya change karu, सेंटीमीटर को मीटर में करना जरूरी है कि चलेगा, नहीं करेंगे तो भी। एनीवन ऑफ यू, देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इन मीटर, नहीं तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा, बिकॉज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका आंसर जब कैलकुलेट करोगे तो एन का आंसर आवत है approximately 2 revolution per second। ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखो अब सेकेंड केस, वी वांट n2 by n1। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फर्स्ट केस सेम है सेंट्रीपिटल फोर्स इन द सेकंड केस? ये तो श्योर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वोंट चेंज। देन सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इज m ओमेगा 1 स्क्वायर r इक्वल टू m, बिकॉज़ मास ऑफ द डिस्क इज सेम कैपिटल R, m m gets cancelled, ओमेगा 1 इज 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर r इक्वल टू 4 pi square n2 square r, 4 pi square gets cancelled, therefore n1 n2 square by n1 square will be equal to छोटा r upon मोटा r। छोटा r कितना दिया 5, बड़ा r दिया 8, therefore n2 by n1 will be root of 5 upon r, and when you calculate this answer you will get 0.63। इसमें पाया कौन आ रहा है? ये 5 है, बुक में रॉन्ग लिखा है शायद, न्यू बुक में ठीक हो गया होगा। मैं एक बार रूलर मारता हूँ, आई विल अप्लाई रूलर ऑन दिस। Sir, in book they are taking the value of g as sir pi r square, pi square meter per second square. That is not allowed. But in CET, JEE, NEET, मैं आपको अभी से हिंट देता हूँ, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी और समटाइम्स इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 फॉर, ये लिख के रखो कहीं पर भी, बिकॉज 5 3.14 ना 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9.86 आता है, तो विच समटाइम्स 9.86 को 10 भी मान लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसके लिए वो लोगों ने यूज कर लिया होगा। ये लाल वाली जो बात है ना, कहीं टॉप पे लिख के रखो। मैं एक बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। अगर आपने कॉपी मार लिया है तो मैं एक्सप्लेन करूं बच्चों। प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करूं। कॉपी मारा रोशनी? कॉपी मारा? यस सर। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, ये जनरल मतलब जो प्रॉब्लम है मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड का पढ़ा, तो v = r ω = r ω / v = 2πn / r n / n1 लिखा क्योंकि फर्स्ट केस है ना, इसलिए इधर n को n मान लिखा। 1/2 पाई के बदले 3.14, म्यू के बदले 0.5, g के बदले 9.8, r we have converted into meter because this is 9.8 meter per second square, तो 5 सेंटीमीटर को 5 × 10⁻² मीटर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है approximately 2, and because it is frequency so I write revolution per second। और क्या लिख सकते हैं anybody? rps के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? Another term, anyone? Hertz. We can write 2 hertz also. Hertz and revolution per second both are same. First part खत्म। Second part में रेशियो पूछ रहे हैं, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई? दोनों सर्फेसेस सेम है, तो फ्रिक्शन इन द फर्स्ट केस इक्वल टू फ्रिक्शन इन द सेकेंड केस, बिकॉज फ्रिक्शन तो दो सर्फेस के बीच में, अगर म्यू वैल्यू तो μ × n रहता है फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m ω²r। मैं m v² r यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि n1 n2 चाहिए हमको, तो m ω² r = m ω² बड़ा r, क्योंकि बड़ा r इसलिए क्योंकि यहां पे था। फिर m गेट कैंसिल बिकॉज़ मास ऑफ द कॉइन इज सेम। ω1 ω is 2πn, तो उसका स्क्वायर होगा 4π2n1²r 4π2n2²r, तो n2² / n1² = r/r। छोटा r 5 है, बड़ा r 8 है। इधर सेंटीमीटर क्यों चलेगा? क्योंकि सेंटीमीटर विल गेट कैंसिल। इनटू 10⁻² करोगे तो वो भी कैंसिल ही होने वाला है अल्टीमेटली। तो n2/n1 इज √5/8 व्हिच इज 0.63। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कॉपी किया सभी ने? बोलो बच्चों। यस सर। ओके, नाउ वी डू प्रॉब्लम नंबर 49। मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ये, इसलिए मुझे ये बिटा दो इसको। मार्क 49 इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर सीटी जेईई नीट। उसमें इसके ऊपर आता है काम, जनरली मैंने देखा है इसके ऊपर पूछते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने वर्ड सुने नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन वर्ड सुना है सभी ने? यस सर। मुझे बताओ, अगर सरफेस ऐसी है और इसके ऊपर बॉडी रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इसका वेट नीचे जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा। अगर सरफेस ऐसी है और अगर उसके ऊपर बॉडी रखी है ऐसी, तो वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। हाउ विल बी नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगी। अच्छा, अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा? और बॉडी समझो ऐसे रखी है, वेट तो नीचे जाएगा। वेयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन एनीबॉडी? सर टुवर्ड्स लेफ्ट। या दैट्स लवली आंसर। आई बिकॉज़ नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है और ये परपेंडिकुलर। वेरी गुड अफीफ, एक्सीलेंट। आई से अब तुम पुराने फॉर्म में आ रहे हो। मैं चाहता हूँ उष्णा का पुराने फॉर्म में आए। उष्णा को, उष्णा ने ही शी इज आउट ऑफ फॉर्म नाउडेज। उष्णा कभी खतरनाक आंसर देगी ना, तब मेरे को लगेगा कि यस उष्णा हैज कम बैक। ओके, अब है ना, मैं एक ये आपको याद दिलाता हूँ, आपने कभी सर्कस, तो अभी आजकल बंद हो गए, तुम लोग गए भी नहीं हो गए, एक जमाने में सर्कस हुआ करते थे, उसके अंदर एक स्टंट होता था, एकदम बड़ा गोला रहता था, उसमें ना स्फीयर है, नॉट सर्कल, इट्स अ स्फीयर, ऐसा, और उसके अंदर है ना मोटरसाइकिल ऐसे किया करता था, यहाँ से वो अंदर अंदर जाता था, जैसे मैं 3 डायमेंशनल बनाने की ट्राई करता हूँ, ये स्फीयर है ना, तो अंदर के बाजू में क्यों अपने को लगता था ये कैसे कर रहा है यार, क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, गिर क्यों नहीं जाता, मतलब तो हम लोग समझेंगे कि उसको है ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो तो चला नहीं सकता, उसको फास्ट चलाना पड़ेगा, स्लो चलाएगा तो नीचे फिसलते हुए नीचे इधर आ जाएगा, उसको फास्ट चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको मिनिमम स्पीड कम से कम कितनी स्पीड पूछा जाएगा, यहाँ पे व्हाट आर द फोर्सेस, ये सपोज यहाँ पे एक पोजीशन ली मैंने, ये सरफेस है, एनीबडी कैन टेल मी व्हेन बी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का होगा, एनीबडी, सरफेस ऐसी है और ये अंदर है सरफेस की, ये स्फीयर का स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बोलो बोलो बच्चे लोग, अभी बताया था टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, बहुत अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, पूरी सरफेस ऐसी है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, डाउनवर्ड्स। अच्छा कोई मुझे बताएगा इसमें उसको गिरने से कौन बचाता है, वो सरफेस रफ होनी चाहिए कि एकदम स्मूथ होगी तो भी वो करता रहेगा, एकदम चिकनी सरफेस होगी तो क्या मोटरसाइकिल कर पाएगा अंदर, इट हैज टू बी रफ, तो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन is opposite to the direction of motion, to mu into n upward. अब है ना ये अगर समझ में आ गया तो things will be very easy. मैं बताता हूँ, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या मोटरसाइकिलिस्ट, क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, yes, कर रहा है कि नहीं, तो इट रिक्वायर्स which force which is absolutely necessary, the centripetal. Centripetal force is directed where? Which force is acting along the radius and towards the center in this case? So normal. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा normal reaction n. Normal reaction n provides centripetal force. And therefore n equal to mv square by r. और anybody can tell me वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? वो नीचे काहे नहीं गिर रहा है? बताओ नीचे गिरने से कौन बचा रहा है उसको, फ्रिक्शन, ये नीचे फ्रिक्शन, तो देयरफॉर करेंगे n mu into n equal to mg, इक्वेशन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो टेल मी आई वांट टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर n, तो आई डिवाइड 1 by 2, तो क्या आएगा n upon mu n equal to mv square by r divided by mg, यानी multiplied by 1 upon mg, so m cancel, that is equal to v square by rg, and therefore 1 upon mu, and therefore v square will be rg by mu. देखो फॉर्मूला बदल गया, v equal to root of rg by mu. ये ना अंडरस्टैंडिंग से याद रखो तो ज्यादा अच्छा, लर्न बाय हार्ट करोगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाई करने का। अब है ना हम लोग करते हैं प्रॉब्लम नंबर 49 विल बी रेड बाय आसिफ। ऑन पेज 13 मेरे बुक में, motorcyclist is to undertake horizontal cycles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform this task. 0.4. Calculate the minimum speed. We mean. देखो अब यहाँ पे आर दे दिया और म्यू दे दिया, खत्म, प्रॉब्लम हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर है 4, जी है, जी ये लोग ने 10 लिया है तो ठीक है, यहाँ पे जी 10 लिख दो, जी 10 मीटर पर सेकंड और इसका आंसर अवध है, दैट इज रूट ऑफ 100। and that is equal to 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा वो लोगों ने कुछ और भी पूछा क्या? मुझे मिनिमम स्पीड एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अच्छा मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड भी पूछा है। एन भी पूछा है, एन को भी निकालेंगे हम लोग। एन यानी छोटा एन यानी फ्रीक्वेंसी वाला एन, नॉट बड़ा एन। बड़ा एन इज नॉर्मल रिएक्शन। मिटा दो मार्च, कॉपी किया बेटा मार्च? यस सर। Ritika, are you following? Yes, sir. Okay. Oh, mystery. Oh, mystery. Yes, sir. Angular motion के equation बता। Omega 2 equal to वो सब चारों equation जल्दी बोल। अब ये मत Omega 2 equal to omega 2 equals to omega 1 plus alpha t, theta equals to omega 1 t into t plus half alpha t square, omega 2 square equals to omega 1 square plus 2 alpha theta, theta equals to omega 1 plus omega 2 upon 2 equals into t. Lovely answer. अच्छा इसमें omega क्या है बेटा? Omega यानी क्या? ओम ओमेगा नहीं मालूम। अच्छा हुसैन दागीना, ओमेगा क्या इसमें? हुसैन दागीना, दैट्स राइट, दैट्स राइट। अरे ओम यू शुड नो इट। अभी हम लोग करते हैं एन, तो वी अप्लाई द फॉर्मूला। एन निकालने के लिए कोई बताएगा मुझे? वी मालूम है और एन निकालना है, क्या करूं? फ्रीक्वेंसी निकालना है। B equal to 10, R omega equal to 10, R into 2 pi N equal to 10, N equal to 10 upon 2 pi R, that is 5 upon pi into R, R कितना दिया है? 4 मीटर, और ये 5 क्या था? मीटर पर सेकेंड था, तो ये भी 4 डाल सकते हैं हम लोग। तो जो इसको कैलकुलेट करेंगे 5.45, ये आंसर आएगा 0.4। व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस? एनीबॉडी कैन टेल मी यूनिट ऑफ दिस? सर रेवोल्यूशंस पर सेकंड। दैट्स लवली आंसर। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम हर्ट्ज। रिवोल्यूशन हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलो या रिवोल्यूशन पर सेकंड बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। ओके एक फॉर्मूला पूछूंगा फिर अगला प्रॉब्लम करेंगे। रितिका प्रसाद, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग? रितिका प्रसाद, यस सर। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला बोल। ओके उष्णा, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला बोल। टेन थीटा इक्वल टू उष्णा tan theta equal to v square upon r. My God, that's the best answer. Okay, how to convert kilometer per hour to meter per second? Jitu, Jitu, what factor? Kilometer per hour to meter per second. Vidhi, Vidhi Bhatt. विधि भट्ट, विधि नहीं है निकाल क्या? ये मैंने 11th स्टैंडर्ड में बहुत प्रॉब्लम किए थे। Is it 18/4? No, 5/18, 5/18 लिख के रखो। ये 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड। बैड। चलो अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 51 प्रॉब्लम नंबर 51 51 रीड करो जीतू। जीतू तुमने बोलना बंद कर दिया आजकल, चलो रीड करो। Vehicle is moving on a circular track whose surface is inclined towards the horizon at an angle of 10 degree. The maximum velocity with which it can move safely is 36 km/h. Calculate the length of the circular track. 36. मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। I am going to ask. Oh, VMAX दिया हुआ है। Max is given pi 3.142 दिया है and g का वैल्यू ये लोग ने कितना यूज किया 9.8। लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एक रोड था इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्रीज अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। उसके ऊपर प्लीज गाड़ी जा रही थी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर झुम 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 गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। पाई की वैल्यू जी की वैल्यू दी है। वो लोग बोलते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी, सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी। और प्रेशर शेट्टी प्रॉब्लम बता। प्रिशा शेट्टी प्रॉब्लम बताओ। एक गाड़ी थी। हाँ बोल, प्रॉब्लम बता। आई डू नॉट लाइक दिस। माज प्रॉब्लम बता। माज सर, एक व्हीकल थी वो सर्कुलर ट्रैक के। Yeah, good, very nice. अरे यार, this is not anything. प्रसाद प्रॉब्लम बता। Sir, there was a vehicle moving on a circular path. It was means horizontal to an angle of 10 degrees. Who was horizontal to angle of 10 degrees? Who was? The surface was surface inclined. Road was inclined at an angle of, मतलब angle of banking was 10 degrees. आगे बोल। The maximum velocity it can move safely is 36 km/h. We have to find length of the circular track. Very good, बहुत अच्छा। You know tan theta का formula ये रहा आपके सामने v² by rg. R का formula होगा v² by r tan